जय हिंद दोस्तों। जब भी हम बात करते हैं शेयर मार्केट यानी कि शेयर बाजार की, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का नाम आपको ज़रूर से सुनने मिलता होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैंक निफ्टी क्या है? दोस्तों, अगर आपको बैंक निफ्टी की जानकारी नहीं है तो आज के इस वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी मिलने वाली है, जहाँ पर हम समझेंगे कि बैंक निफ्टी क्या होती है, बैंक निफ्टी में क्या काम होता है और बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी निवेशक कैसे निवेश कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो यहाँ पर अगर आप भारत की बैंक जो सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, उसकी स्थिति आपको जाननी है कि हमारे देश का जो बैंक सेक्टर है वो किस स्थिति में है, ये प्रॉफिट में है, लॉस में है, या किस स्थिति में बैंक सेक्टर काम कर रहा है, तो इस चीज़ को अगर आप जानना चाहते हैं भारत के अंदर, तो आप एक बार बैंक निफ्टी की तरफ देख लीजिए। बैंक निफ्टी के जो आंकड़े हैं वो आपको भारत के जो बैंक सेक्टर है उसकी वेल्थ की पूरी जानकारी वहाँ से आपको मिल जाएगी कि कौन सा बैंक प्रॉफिट में है, कौन सा बैंक लॉस में चल रहा है और ओवरऑल भारत के बैंकिंग सेक्टर की क्या कंडीशन है, ये जानकारी देने का काम करता है बैंक निफ्टी। दोस्तों, यहां पर ये जो बैंक निफ्टी है, ये बेसिकली देश की जो बड़ी 12 बैंक हैं उनका एक स्टॉक इंडेक्स है, यानी कि 12 की 12 बैंक वहां पर स्टॉक में लिस्टेड हैं। इनके शेयर प्राइसेस वहां से आप देख सकते हैं कि कौन सी बैंक के एक शेयर की कीमत क्या है, इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, ये सारी चीजें आपको बैंक निफ्टी के माध्यम से आसानी से पता लग जाती हैं। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बैंक निफ्टी है, इसको सबसे पहली बार भारत के अंदर साल 2000 में NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा लाया गया था, और उस समय इसका जो बेस प्राइस था बैंक निफ्टी का वो था लगभग 1000 रुपये। लेकिन आज के बेस प्राइस की अगर हम बात करें तो आज का जो इसका बेस प्राइस है वो है लगभग 37,900 या 37,800 कुछ रुपये। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। जब इसको लॉन्च किया गया था तो 1000 इसका बेस प्राइस था और आज वही प्राइस 37,000 के पार यहाँ पर पहुँच चुका है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बैंक निफ्टी है, इसके अंदर जितनी भी बैंकों को इंक्लूड किया जाता है, जितनी भी बैंकों को इसके अंदर शामिल किया जाता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी देश की बैंक आकर इसके अंदर लिस्ट हो जाएगी। देश की बड़ी बैंकों को इसमें लिस्ट होने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया हैं जिनको फुलफिल करना होता है, जो कि सेबी यानी कि हमारे देश के जो स्टॉक मार्केट है उसको रेगुलेट करता है सेबी, और NSE और जो BSE हैं देश के बड़े जो शेयर मार्केट हैं इनको भी जो सेबी है वो रेगुलेट करता है। तो सेबी यहाँ पर सभी के लिए कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस बनाता है जिसके तहत सभी बैंकों को या जो भी बड़ी कंपनी इसके अंदर आना चाहती है वो यहाँ पर उसको फॉलो करना होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर हर 6 महीने में एक असेसमेंट होता है और उस असेसमेंट में ये देखा जाता है कि जिन 12 बैंकों को इंडेक्स के अंदर रखा गया है वो अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और बैंक, जो 12 बैंक है उनसे अलग कोई और बैंक देश की है जो उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो ऐसे में उसको भी यहाँ पर अंदर लाने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो जाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर बात करें देश की उन बड़ी बैंकों की, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इन बड़ी बैंकों में शामिल हैं हमारी SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDFC फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, इंडसलैंड बैंक, और यहाँ पर ये जो हमारी बैंकें हैं ये सारी की सारी बैंकें हमारी बैंक निफ्टी के अंदर आती हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो मेन मकसद है बैंक निफ्टी को लाने का शेयर बाजार के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, वो ये है कि यहाँ पर हमारे देश का जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो प्रोग्रेस है और उसकी जो ग्रोथ है, इन तीनों चीज़ों को बहुत ही आसानी से ट्रैक किया जा सके, इनको ट्रेस किया जा सके और जो बैंकिंग सेक्टर की जो बारीकियाँ हैं उनको यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से समझा जा सके। दोस्तों, यहीं पर आप बैंक निफ्टी के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको किसी भी एक कह सकते हैं मीडियम को लेना है, जैसे आप स्टॉक्स या फिर जीरोदा जैसे एप्लीकेशंस हैं उनको आप अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड कीजिए, आप एक डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और बैंक निफ्टी के अंदर जाकर आप किसी भी बैंक के जो शेयर्स हैं उनको बहुत ही आसानी से वहां से परचेस कर सकते हैं। उनका एक लॉट साइज होता है, जैसे एक लॉट के अंदर आपको 25 शेयर्स खरीदने होते हैं, तो आप इस तरीके से बैंक निफ्टी अंदर आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक निफ्टी क्या है और कैसे ये काम करता है या किसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे जानकारी भरे वीडियोज को फ्यूचर में देखने के लिए।